इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, वर्ल्ड कप 2019 भारत और न्यूजीलैंड का मैच सेमीफाइनल में टीम इंडिया वर्ल्ड कप से हुई बाहर। न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में भारत को हराया। न्यूजीलैंड ने भारत को कड़े मुकाबले में हराकर आईसीसी विश्व कप वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में आखिरकार प्रवेश कर ही लिया। उसने दो दिन तक चले इस मुकाबले को 18 रन से जीता है और इसके साथ ही भारत का विश्व कप में सफर खत्म हो चुका है। भारत ने इस विश्व कप के लीग राउंड में सबसे अधिक अंकों के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया था, लेकिन सेमीफाइनल में वो अपनी लय कायम नहीं रख सका। भारत लगातार दूसरे विश्व कप सेमीफाइनल में हारा है। दूसरी ओर न्यूजीलैंड ने लगातार दूसरी बार विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया है। न्यूजीलैंड ने विश्व कप के इस पहले सेमीफाइनल में 8 विकेट पर 239 रन का स्कोर बनाया और भारत के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने इस स्कोर के जवाब में बुरी तरह अपना समर्पण कर दिया। भारत के पहले तीन बल्लेबाज रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली महज एक एक रन बनाकर आउट हो गए। दिनेश कार्तिक भी 6 रन बना सके और बाद में रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी और ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने जरूर कोशिश की, लेकिन वे भी टीम को जीत नहीं दिला सके। भारतीय टीम इन सभी की कोशिशों के बावजूद 49.3 ओवर में मात्र 221 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम का वर्ल्ड कप का सफर इसी मैच में खत्म हो गया। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर जरूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।